हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में देखेंगे हम बायो अवेबिलिटी क्या होता है, और नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बायो इक्विवेलेंस। ये हमारा जो चैप्टर है बायो फार्मास्यूटिक्स का, बायो अवेबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं बायो अवेबिलिटी क्या होता है। सो बायो अवेबिलिटी नाम से ही पता चल रहा है, बायो अवेबिलिटी मीन्स कितना ड्रग है अवेलेबल है एक्टिव इफेक्ट शो करने के लिए। सो हम सिंपली इसे डिफाइन कर सकते हैं, द पोटेशन ऑफ ड्रग और द अमाउंट ऑफ ड्रग, द पोटेशन ऑफ ड्रग और अदर सब्सटेंस सब्सटेंस विच एंटर द सर्कुलेशन एंटर द सर्कुलेशन सिस्टमैटिक सर्कुलेशन सिस्टमिक सर्कुलेशन व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी। टू द बॉडी जब जब हम ड्रग लेते हैं किसी भी रूट से, तो वो जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में पहुंचता है, एंटर इनटू द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन व्हेन इंट्रोड्यूस इनटू द बॉडी। जब हम किसी भी रूट से, जैसे कि ओरल रूट से लिया लिए हमने, या इंट्रामस्कुलर इंट्रावेनस किसी भी अगर रूट से लेते हैं, तो कितना ड्रग पहुंचता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में, क्योंकि जितना ड्रग सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में पहुँचता है उतना ड्रग अवेलेबल हो जाता है फॉर एक्टिव इफेक्ट शो करने के लिए। तो द पोर्टेशन ऑफ ड्रग और अदर सब्सटेंस विच एंटर द सिस्टमैटिक सर्कुलेशन व्हेन इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी सो देयर एक्टिव इफेक्ट सो देयर एक्टिव इफेक्ट एक्टिव इफेक्ट। सो अगर हम इंट्रावेनस की बात करें, इफ़ ड्रग को देते हैं, इफ़ ड्रग इंजेक्टेड इंजेक्टेड बाय आईवी रूट, इंट्रावेनस रूट से अगर हम ड्रग देते हैं, तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी 100% रहती है, 100% बायो अवेलेबिलिटी होती है, क्योंकि हम ड्रग को डायरेक्टली इंजेक्ट कहाँ करा रहे, इंजेक्ट करा रहे डायरेक्ट सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में, TEMIC सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में हम ड्रग को डायरेक्ट इंजेक्ट करा रहे हैं, जिसके कारण जो इसकी बायोअवेलेबिलिटी है 100% है। क्योंकि जब सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में इस ड्रग को इंजेक्ट कराएंगे, तो ये जो ड्रग है टोटली ड्रग 100% ड्रग अवेलेबल हो जाएगा, 100% ड्रग जो अवेलेबल हो जाएगा एक्टिव इफेक्ट शो करने के लिए, एक्टिव इफेक्ट इफेक्ट शो करने के लिए अवेलेबल हो जाएगा। अगर हम ड्रग को अदर रूट से लेते हैं, इफ ड्रग इनटेक बाय अदर रूट, मान लेते हैं ओरल रूट से लेते हैं, बाय ओरल रूट, अगर हम ड्रग को ओरल रूट से लेते हैं, तो इसकी जो बायो एबिलिटी है डिक्रीज होती है, बायो एबिलिटी डिक्रीज LITY बायो एबिलिटी डिक्रीज होती है। क्यों होती है? दो कारणों से इसकी बायो एबिलिटी डिक्रीज होती है। एक तो कुछ ड्रग होता है ये, कुछ ड्रग अनएब्जॉर्ब फॉर्म में रह जाते हैं, सम ड्रग रिमेनिंग इन अनएब्जॉर्ब, कुछ ड्रग है एब्जॉर्ब नहीं हो पाती है, सो सम ड्रग अनएब्जॉर्ब अनएब्जॉर्ब एब्जॉर्ब अनएब्जॉर्ब फॉर्म में रह जाती है, और कुछ ड्रग जो रहता है वो एब्जॉर्ब तो हो जाती है, लेकिन उसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म के कारण फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के कारण जो ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी डिक्रीज होती है।
सो जो इसकी बायो अवेलेबिलिटी जब ओरल रूट से लेते हैं तो बायो अवेलेबिलिटी डिक्रीज करती है दो कारणों से। एक तो ड्रग अनअब्जॉर्ब रहता है, कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग अनअब्जॉर्ब रहता है, और दूसरा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसलिए होता है क्योंकि हम ओरली रूट से टॉक्सिक सब्सटेंस भी ले सकते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस को ख़त्म करने के लिए ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। सो जब हम ड्रग को ओरली लेते हैं तो ओरली ओरल ड्रग जो होती है एब्जॉर्ब होता है। हाँ, एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद ड्रग पोर्टल वैन में जाता है। पोर्टल वैन में जाता है। पोर्टल वैन में जाने के बाद इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। पोर्टल वैन में जाने के बाद इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के बाद इसके बाद इसका जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में पहुंचता है ड्रग। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन सो जितना ड्रग जो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में पहुंचा है, मान लेते हैं 70% ड्रग सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में पहुंचा है, तो यही जो 70% ड्रग है अपना एक्टिव इफेक्ट शो करेगा। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि जो इस ड्रग है, जब हम ओरल रूट से इस ड्रग को देते हैं तो इसकी बायोअवेलेबिलिटी 70% है, जबकि हम अगर इंजेक्शन के थ्रू देते हैं, आईवी रूट के द्वारा देते हैं, तो बायोअवेलेबिलिटी 100% है, एक्टिव इफेक्ट शो करता है, जिसके कारण इसका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और कुछ ड्रग अनअब्जॉर्ब फॉर्म में रह जाते हैं, जिसके कारण इसकी बायोअवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। सो ड्रग जब एब्जॉर्ब होती है तो पोर्टल वैन में पहुंचता है। पोर्टल वैन में पहुंचने के बाद ये ड्रग का फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म के दौरान ये ड्रग कन्वर्ट होता है, एक तो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और कुछ ड्रग जो होती है आयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, आयंस के फॉर्म में, मिस डिसोसिएट हो जाता है, और कुछ जो ड्रग है वो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहता है। जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में रहते हैं वो लिपोफिलिक इन नेचर रहता है, जिसके कारण वो सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में पहुंच जाते हैं। सिस्टमैटिक सर्कुलेशन में पहुंचते हैं तो वो अपना बायो एविलिटी शो करते हैं और एक्टिव इफेक्ट शो करते हैं। और जो अनआयोनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं जो ड्रग, वो जो ड्रग हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, जिसको इजिली एक्सक्रीट आउट कर दिया जाता है बॉडी के बाहर। अब हम देखते हैं टाइप्स, देखते हैं बायो एविलिटी के। तो अगर टाइप्स की बात करते हैं बायो एविलिटी की, तो इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो हमारा होता है एब्सोल्यूट बायो एविलिटी, और दूसरा जो होता है रिलेटिव बायो एविलिटी, जिसे हम कंपरेटिव बायो एविलिटी भी कहते हैं। रिलेटिव इसे हम कंपरेटिव बायो एविलिटी भी कहते हैं, कंपरेटिव बायो एबिलिटी। जो एब्सोल्यूट बायो एबिलिटी है, इसको हम डिनोट करते हैं एप से डिनोट करते हैं, जबकि जो रिलेटिव और कंपरेटिव बायो एबिलिटी है, इसे हम एफ आर से डिनोट करते हैं। सो सबसे पहले देखते हैं हम एब्सोल्यूट बायो एबिलिटी। एब्सोल्यूट बायो एबिलिटी एब्सोल्यूट बायो एबिलिटी में क्या है, जब हम ड्रग को, जो हमारा एब्सोल्यूट बायो एबिलिटी होती है, इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं व्हेन द सिस्टमैटिक एबिलिटी ऑफ ड्रग एडमिनिस्टर्ड ओरली। जब हम ओरली ड्रग को एडमिनिस्टर्ड करते हैं तो उसकी जो सिस्टमैटिक बायो एबिलिटी है, उसको हम डिटरमाइन करेंगे इन कंपैरिजन टू इट्स इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम ओरली लेते हैं ड्रग, उसकी बायोअवेलेबिलिटी को हम इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन की उसकी से कंपेयर करेंगे, तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट बायो एवेबिलिटी, और इसको डिनोट करते हैं बाय अ सिंबल एफ से डिनोट करते हैं एफ। अब हम देखते हैं रिलेटिव और कंपरेटिव बायो एवेबिलिटी। रिलेटिव और कंपरेटिव बायो एवेबिलिटी,
ये जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट मतलब पार्ट है हमारा बायो एबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस का। नेक्स्ट वीडियो में इसमें तो हम डिस्कस करेंगे बायो एबिलिटी क्या है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायो इक्विवेलेंस क्या है। अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो बायो एबिलिटी एंड बायो इक्विवेलेंस। उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकें ताकि आपको समय पर न्यू वीडियो का अपडेट मिल सके। तो आप स्टार्ट करते हैं हम रिलेटिव और कंपेरेटिव बायो एबिलिटी। सो जब सिस्टमैटिक एबिलिटी ऑफ ड्रग आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें देखते हैं रिलेटिव और कंपेरेटिव बायो एबिलिटी में। व्हेन द सिस्टमैटिक एबिलिटी ऑफ द ड्रग आफ्टर इट्स ओरल एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें ओरल एडमिनिस्ट्रेशन ड्रग को कंपेयर करते हैं इसके ओरल स्टैंडर्ड ऑफ द सेम ड्रग। ओरल स्टैंडर्ड मीन्स हाँ, जैसे हमने टैबलेट फॉर्म में दिया है तो उसका बायो एबिलिटी देखते हैं इन कंपेरिजन, और इसको कंपेयर करते हैं हम अदर किसी फॉर्म में दिया होगा लिक्विड या एलिक्जर्स या टिंचर सॉल्यूशन के फॉर्म में देते हैं तो उसकी बायो एबिलिटी से चेक करते हैं। और इसकी अगर सिंबल की बात करते हैं, सिंबल इसे एफ आर से डिनोट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे बायो इक्विवेलेंस क्या है।